एपिसोड ऑफ एन आर्किटेक्ट कुक्स. आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी एक्सेसरी टू फूड जो एक हर इंडियन किचन में होना उसका मस्ट होता है. हम बनाएंगे अचार, वो भी बिना कुछ कुक किए, बिना गैस चलाए, झटपट से, और वो जैसे ही बनता है वैसे ही खाने के लिए तैयार हो जाता है. आज हम बनाएंगे इंस्टेंट जिंजर एंड ग्रीन चिली का पिकल. तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि बहुत ही मजेदार इंस्टेंट खाने वाला अचार हमारा जो बनता है उसके इन्ग्रीडियंट्स क्या है. तो ये जो हमारा जिंजर ग्रीन चिली अचार है, इसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए जिंजर. इसको मैंने, ये अबाउट 100 ग्राम्स जिंजर है जिसको इस तरह के लंबे पतले जूलियंस में मैंने काट के रख लिया. ये याद रहे कि अगर जो जिंजर जो नया वाला निकलता है ना अदरक, उसका ये अचार बहुत अच्छा बनता है. बट दैट हैविंग बीन सेड, जो नॉर्मल अदरक बाद में हो जाता है पुराना, उसका भी ये ठीक बनता है. और इसके जूलियंस आप जितने पतले करेंगे उतना ही अच्छा ये अचार लगता है. इसके साथ यहाँ पे मेरे पास है ग्रीन चिलीज. यहाँ पे आई हैव अबाउट 10 to 12 ग्रीन चिलीज जिनको इस तरह से रफली मैंने चॉप कर लिया. साथ में है द लेमन एंड सॉल्ट, बोथ ऑफ विच विल एक्ट एज द प्रिजर्वेटिव फॉर दिस अचार. आइए शुरू करते हैं झटपट से बनाना अपना ये मजेदार सा अचार. तो सबसे पहले एक थोड़े बड़े बोल में मैंने डाल दिया ये सारा का सारा अदरक, और उसके बीच में ये कटी हुई ग्रीन चिलीज. ग्रीन चिलीज आपके टेस्ट के ऊपर है, आप जितना चाहें उतना बढ़ा घटा सकते हैं. सॉल्ट इज द प्रिजर्वेटिव फॉर दिस. किसी भी पिकल में अगर आप सॉल्ट कम रखेंगे तो उसकी लाइफ डेफिनेटली कम हो जाती है. तो सॉल्ट उसके हिसाब से आप डालें. उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे. एंड मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे ये अपना लेमन जूस. अबाउट 3 to 4 टेबल स्पून आपका लेमन जूस भी डल जाएगा. अच्छे से मिक्स कर लें सो दैट जो अचार में जो लेमन जूस है एंड जो सॉल्ट है वो अच्छे से अदरक में कोट हो जाए. इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है ये क्लीन ग्लास बॉटल. अब कुछ नहीं करना है हम लोगों को. इस तरह से हम इसको सारा जो हमारा अदरक एंड ग्रीन चिली है इसको हमें इसमें भर देना है. आप देखोगे कि विद इन 15-20 मिनट्स बिकॉज ऑफ द यू नो खट्टा जो लेमन होता है, इस अदरक में एक बड़ा अच्छा सा पिंक सा कलर आ जाता है. एंड यू कैन इंस्टेंटली स्टार्ट टू हैव दिस अचार. बस इस तरह से मैं ये दो बॉटल्स में ये अपना अचार भर दूंगी एंड देन आई विल जस्ट पुट इट इन द फ्रिज एंड स्टोर इट ईजीली इट लास्ट. अगर आपका यू नो सॉल्ट कम ना हो एंड आपने लेमन जूस पूरा डाला हो तो ये अचार ईजीली लास्ट फॉर इवन अ मंथ, 2 months, इसको कुछ नहीं होता. बहुत अच्छा डाइजेस्टिव है ये एंड इट एड्स अ लॉट टू द टेस्ट ऑफ द फूड. आप किसी भी खाने के साथ इसको थोड़ा सा ले लें तो बहुत मजा आता है. सो फ्रेंड्स, वाजंट दिस एन ईजी सिंपल रेसिपी. खाली ध्यान रखिएगा कि सॉल्ट की क्वांटिटी और लेमन की क्वांटिटी आपकी कम ना हो और आप इसको किसी क्लीन बॉटल में स्टोर करें एंड जस्ट पुट इट इन फ्रिज. That's it and forget about it. 15 मिनट में बन के तैयार होने, including the cutting, 15 मिनट में बन के तैयार होने वाला ये मजेदार चटपटा and digestive अचार बहुत ही स्वाद लगता है. With that we come to the end of today's recipe and now it's time for the tip of the day. So आज का जो मेरा टिप है वो है इंटीरियर से रिलेटेड एंड दैट इज रिलेटेड टू अ क्वेश्चन दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कि घर में हमें रोमन ब्लाइंड्स लगाने चाहिए कि रोलर ब्लाइंड्स लगाने चाहिए. दीज आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडो कवरिंग. एक तो नॉर्मल कर्टन होता है, दैट इज फाइन. उसके अलावा हमारे पास एक रोमन ब्लाइंड होता है विच इज नॉर्मली ऑफ फैब्रिक एंड उसमें इस तरह के प्लीट्स फोल्ड जैसे आती हैं जो आप एक ट्रैक के मदद से या चेन की मदद से ऊपर नीचे करते हो. और एक रोलर ब्लाइंड होता है जो पूरा ऊपर एक रोल होता है, अगेन विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग आप उसको ऊपर नीचे करते हो, बट देन वो फ्लैट स्ट्रिंग नीचे हो जाता है. पीस ऑफ क्लॉथ, इट कैन बी अ क्लॉथ और इट इज नॉर्मली अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल. सो माय एडवाइस इज कि जो तो आपके एरियाज हैं जैसे बेडरूम्स हैं वहां पे तो आप अगर देना हो तो रोमन ब्लाइंड या कर्टन ही दें. लेकिन जो आपके फॉर्मल एरियाज हैं, लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है या आपका स्टेयर हॉल है, वहां पे आप कंफर्टेबली रोलर ब्लाइंड भी दे सकते हो. उसकी जो ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसल्यूसेंसी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपको कितनी लाइट चाहिए, नहीं चाहिए, यू वॉन्ट इट अ लिटिल ट्रांसल्यूसेंट और टोटली नॉन ट्रांसपेरेंट, दैट इज अप टू यू. बट इन द फॉर्मल एरियाज the house you can easily give roller blinds, although in the informal areas definitely I would suggest bedrooms wagera mein aap roman blinds ya curtains hi dein. So with that we come to the end of today's episode. I'll see you next Saturday again at 7 PM with a simple chatpat mazedar instant recipe. Agar aapko mera episode pasand aaye to like subscribe zarur kariyega. Till then.